नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज एडीजे उत्तम आनंद के हत्या को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया था। उन्होंने अब इस केस को सीबीआई को सौंपा ताकि सीबीआई इसके पुख्ते सबूत लेके आए, लेकिन सीबीआई ने अब तक कोई भी सबूत सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगा दी है। आपको बताएं कि 28 तारीख को जज की हत्या की गई, 29 तारीख को उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 30 तारीख को एसआईटी की गठन की गई जो कि धनबाद में जांच कर रही थी, 31 जुलाई को ऑटो चालक ने खुद ही अपने आप को सिलेंडर कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 अगस्त को इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपा गया। उसके बाद 4 अगस्त को सीबीआई धनबाद गई जांच करने के लिए, यानी ये पूरा मामला लगातार चल रहा था। लेकिन आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त तक सीबीआई की तरफ से कोई भी ऐसे पुख्ते सबूत सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए गए, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सीबीआई को फटकार लगा दी है। आपको बता दें कि देश के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस विनीति शरण और सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई से कहा है कि आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, आपने क्या किया है, रिपोर्ट में हत्या का कारण तक नहीं बताया गया, हमने आपसे ठोस जानकारी की मांग की थी। तो आपको बताएं कि साफ तौर से कह दिया जा चुका है कि ठोस जानकारी की मांग सीबीआई की तरफ से की गई थी। सीबीआई को इसलिए भी जाना जाता है ताकि जो बातें सबके सामने नहीं आ पाती हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं निकाल पाती है, वो सीबीआई की तरफ से निकाली जाती है। लेकिन अब तक सीबीआई की तरफ से ऐसे कोई पुख्ते सबूत नहीं दिए गए, जिसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है और ये कहा है कि जो उम्मीद हमें आपसे थी, जो सबूत की उम्मीद हमें आपसे थी, वो अब तक नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चल पाया है कि हत्या का कारण क्या था, किस वजह से हत्या की गई। सीसीटीवी कैमरे में जिस तरीके से कैद हुआ था कि ऑटो ने जानबूझकर जज को धक्का मारा, जिस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, और अब तक उनके हत्या का कारण सबूत सामने नहीं आया है। और कहीं ना कहीं ये जज की सुरक्षा का भी सवाल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद ही अपने संज्ञान में लिया और पूरी जो जाँच है वो की जा रही है। पूरे मामले को अब सीबीआई तक को सौंप दिया गया है और कहा गया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द ही इसके कारण का पता लगना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगा दी और कहा है कि हमें जल्द से जल्द पुख्ते सबूत चाहिए कि आखिर किस वजह से जज की हत्या की गई। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।